नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बारूदी शक्ति प्रदर्शन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग पहले से ज्यादा मिसाइल टेस्ट फायर करने की तैयारी पहले कर चुका था, लेकिन अब अमेरिका ने साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास में B-1B बॉम्बर उतारकर उसका गुस्सा और बढ़ा दिया है। विश्व विनाश का दूसरा मोर्चा खुल चुका है। कोरियन पेनिनसुला अघोषित तौर पर रण क्षेत्र बन चुका है, जहां अमेरिका और साउथ कोरिया के विध्वंसक विमान महासागर और धरती पर बारूद बरसा रहे हैं। बीते 6 दिन से साउथ कोरिया और अमेरिका के 240 से ज्यादा विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं और मिसाइलों से टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया के ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म से किम जोंग पहले ही गुस्से में है। अब अमेरिका ने उसे B-1B बम वर्षक की धमकी देकर और गुस्से से भर दिया है। अमेरिका और साउथ कोरिया के साझा युद्धाभ्यास में शनिवार को यूएस एयरफोर्स के महाविनाशक बम वर्षक 2 B-1B विमानों ने उड़ान भरी। साउथ कोरिया के एक एयरबेस से 2 B-1B विमानों ने उड़ान भरी। इसके साथ ही 4 अमेरिकी F-35A विमान ने रनवे छोड़ा। पीछे पीछे साउथ कोरिया के 4 F-16 हवा में उड़े। आसमान में पहुंचते ही इन विमानों ने 17 शिप फॉर्मेशन बनाई। 2 B-1B एक साथ उनके एक ओर F-35A और दूसरी ओर F-16 विमानों ने गर्जना के साथ नॉर्थ कोरिया को चेतावनी जारी की। अमेरिका ने पहली बार इस युद्धाभ्यास में B-1B बम वर्षक विमानों को उतारा है। अमेरिका का ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म नाम का ये युद्धाभ्यास किम जोंग के लगातार मिसाइल परीक्षणों के बाद शुरू किया गया था। उधर अमेरिका ने B-1B बम वर्षक विमान युद्धाभ्यास में उतारे और उधर किम के बारूदी जखीरे से फिर आग उगली जाने लगी। किम जोंग ने 4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल येलो सी में फायर की। मिसाइल ने 130 किलोमीटर की उड़ान भरी। नॉर्थ कोरिया ने बयान जारी करके कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया को ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। October 31 से अब तक किम जोंग 40 से ज्यादा मिसाइल और 1000 से ज्यादा गोले दाग चुका है। किम जोंग के 4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया के सबसे बड़े साझा युद्धाभ्यास की तारीख बढ़ा दी गई है। अभी कुछ और दिन कोरियन पेनिनसुला में अमेरिका और साउथ कोरिया के विमान बारूद बरसाते रहेंगे और किम का गुस्सा बढ़ाते रहेंगे। किम जोंग पहले ही ऐलान कर चुका है कि अमेरिका ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म की आड़ में नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया को अपने अस्तित्व पर खतरा दिखा तो परमाणु हथियार चला दिए जाएंगे। किम जोंग 1 महीने से लगातार जापान और साउथ कोरिया की तरफ मिसाइलें दाग रहा है। किम तौल चुका है कि उसकी मिसाइलों की रेंज और ताकत क्या है। अब से पहले किम जोंग 6 परमाणु परीक्षण भी कर चुका है। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास अब परमाणु हथियार हैं और किम जोंग किसी भी दिन 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। जब साउथ कोरिया और अमेरिका किम पर मिलकर दबाव बढ़ा रहे हैं, ऐसे वक्त में वो कभी भी महाविनाशक फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।